उम्मीद रहा, अपने बाप से टेप पड़ी उसने, वे भी उम्मीद कहते रहा। तो उसके बाद जब बाप फौत हो गया, दादा भी फौत हो गया, तो फिर ये वापस काट दिया गया। अब कोई जरिया रोजगार नहीं था, वहां तो चलो अर्जी वगैरह लिख लेता था, लेकिन अर्जियां लिखने से और मुख्तारकारी के कानून की किताबें देखने से कुछ ये कानून के झगड़े आ गए थे। अब इसने फिर ये कहा कि जो लड़ाई होती, कहता कि मैं अर्जी लिख के देता हूँ, तू कामयाब हो जाएगा मुकदमे में। फिर साथ जाके मुकदमे लड़ता रहता। तो ये इसका फिर पेशा था मुकदमाबाजी का। तो कुछ अरसा मुकदमाबाजी में लगे, तो मोहम्मद शहर बटालवी जो इसका पुराना साथी था गैर मुकलिद, वो मिर्जा नजीर शहर का शागिर्द था, और वो वहां से फारिग होकर लाहौर की चीनिया वाली मस्जिद में आकर खतीब लग गया। तो जब बटाले गया, बटाला कादिया से करीब है बिल्कुल, तो ये फिर उसको मिलने गया बटालवी को। तो पूछा, सुनाओ क्या कुछ आजकल करते हो? उसने कहा कि बस मैं तो मुकदमेबाजी से कुछ चार पैसे मिल जाते हैं, गुजारा नहीं होता, बड़ा तंग दस्त हूं। तो उसने कहा कि फिर मेरा ख्याल है कि तू मेरे पास आ जा लाहौर में, और वहां फिर तुम लेगे इस्लाम का काम शुरू कर देते। चुनाचे फिर ये उसके साथ लाहौर चला गया, और चीनिया वाली मस्जिद में ये भी रहता था। मोहम्मद चट्टू ताजर गैर मुकल्लद, बाबू इलाही बख्श गैर मुकल्लद अकाउंटेंट, और हाफिज मोहम्मद यूसुफ अकाउंटेंट गैर मुकल्लद जिलेदार, ये तीन और चौथा ये चारों फिर मिलकर कभी किसी ईसाई के पास मुनाजरा करने चले गए। एक शेख अलादा था, वो भी गैर मुकल्लद था। तो ये सारे फिर फिरते रहते थे, आके फिर बड़ा मस्जिद में शोर मचाते, हम फलां पादरी को शिकस्त देकर आए हैं। शेख खलादाद का बयान है कि हम एक पादरी के पास गए, तो पादरी ने कहा कि भी आप सारे मुनाजरा करेंगे जो एक करेगा? हमने कहा कि मिर्जा साहब करेंगे। तो उसने कहा कि देखो, ईसा अलैहि सलाम के नबी होने में हमारा और आपका इत्तेफाक है, इसलिए उन पर तो कोई बात नहीं होगी। हजरत मोहम्मद साहब का नबी होना आप किसी दलील से साबित करें, और वो दलील ऐसी हो जो हमारे लिए काबिले कबूल हो। मेरे सब खामोश बैठे रहे। जब 10-12 मिनट गुजर गए, मेरे साहब नहीं बोले, तो फिर शेख अलादाद ने कहा कि मेरे साहब वक्त हो गया है। क्या कहा? वक्त हो गया है। तो पादरी ने कहा कि देखो, आपने कहा था मुनाजरा ये करेगा, अब आप लुकमा दे रहे हैं उसको। यानी पादरी तो नुकमे का मतलब समझ गया, मिर्जा वो भी ना समझा। उसने कहा कि वो कौन सा समझा है? क्योंकि उसका मतलब ये था कि तुम ये कहो कि उनकी नबूवत खत्म हो गई, अब दूसरे नबी का वक्त है, तो इसलिए दूसरा नबी आ सकता है। लेकिन वो अल्लाह कहता है कि मैंने लुकमा भी दिया और मिर्जा कादियानी मेरी बात नहीं समझा, और पादरी मेरी बात समझ गया। उसने मुझ पर इतराज किया कि मुनाजर वो है, आप क्यों लुकमा दे रहे हैं इसको? हाँ, एक मुनाजरे का बड़ा शोर हुआ कि वहां मिर्जा जीत के आया। वो ये था कि पादरी ने कहा कि अल्लाह तबारक व ताला ने ईसा अलैहि सलाम को बगैर बाप के पैदा किया, इसलिए वो सबसे अफजल है, क्योंकि आदम अलैहि सलाम ने जो गुनाह किया था वो वरासतन सब में आ रहा था, और अल्लाह ताला ने ईसा अलैहि सलाम को बगैर बाप के पैदा किया ताकि ये मरूसी गुनाह में मुबतला न हो और नेक और पाक रहे। तो मिर्जा ने कहा कि आखिर मरियम से तो पैदा हुआ, और औरत भी तो उस गुनाह में शरीक थी ना, बल्कि असल तो औरत की तहरीर से ही गुनाह हुआ था। तो इसलिए अगर मर्द औरत दोनों होते तो फिर शायद आधा आधा तकसीम हो जाता गुनाह, अब तो पूरा ही मिर्जे पर लग गया है। अब इसका जवाब पादरी को नहीं आया, तो इस पर इन्होंने खूब इश्तहार शाय किए। तो तहरीरी वैसे ये करता था, तकरीरी बहस भी अमूमन नाकाम रहता, लेकिन चैलेंज बाजी, इतने लाख रुपए इनाम दूंगा, इतने हजार रुपए इनाम दूंगा, इस अंदाज में करता था कि दूसरा बेचारा वैसे ही डर जाता था कि पता नहीं कितना बड़ा इनाम है।
وہ مولا دو پیازہ کے جو مناظرے سنے ہوں گے نا آپ نے, مولا دو پیازہ کا نام بتایا تھا آگے میں نے, کیا بتایا تھا؟ محمد عمر نام تھا, بہت بڑا عالم تھا. یہ جگہ سی او سے مناظرہ طے ہو گیا. جناب ایک بہت بڑی اینٹ جو تھی اس پر گلاف چڑھا کے ایک گاڑی پر رکھ لیا, بیل گاڑی پر, اور ایک بہت بڑا پتھر تھا اس پر گلاف چڑھا کر رکھا ہوا, اور پگڑی باندھ لی. پگڑی کا وہ شملہ ہوتا نا چھوڑا ہوا, وہ اتنا لمبا تھا کہ پیچھے چار ٹوکریوں میں تھا, چار آدمی ٹوکریاں لے کر, اور آگے ہوکا تھا, اتنی بڑی اس کی ٹوپی تھی. اسے جوتا اتار کر بغل میں دبایا ہوا, اور حضرت مناظرے کے لیے جا رہے ہیں. آگے ہوکا ہے, پیچھے شملہ ہے, پیچھے دو گاڑیوں پر ایک ایک کتاب. جہاں پہنچے وہ ان کا مناظر دیکھ کر ہنسنے لگا. کہا یہ کیا ہے؟ کہا ہوکا بمقدار چیلم اور شملہ بمقدار علم. جتنا علم ہو اتنا شملہ لمبا ہوتا ہے نا, اس لیے میرا علم اتنا زیادہ ہے, اس لیے اتنا بڑا شملہ ہے میرا. کہ یہ کتابیں کون سی ہیں؟ ایک اینٹ الفتاوا ہے, ایک سل البحر. وہ بچارے پریشان کہ یہ تو آج تک ہم نے کتابوں کا نام ہی نہیں سنا, یہ کہاں سے آ گئی؟ کہ یہ جوتی کیوں بغل میں دبائی ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ کیونکہ شیعہ جوتی چور ہوتے ہیں نا, وہ کتاب میں لکھا ہے کہ رسول پاسن کی جوتی شیعہ چرا کے لے گئے تھے. تو شیخ نے کہا بالکل جھوٹ, حضور پاک کے زمانے میں شیعہ نہیں ہوتے تھے. اچھا نہیں ہوتے تھے؟ تھوڑی دیر, ہاں 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 وہ مجھے یاد ہے, ابو بکر صدیق کی جوتی چوری کر کے لے گئے. انہوں نے کہا یہ بھی جھوٹ ہے, ابو بکر صدیق کے زمانے میں شیعہ نہیں ہوتے. اچھا ہاں, حضرت عمر کی جوتی لے گئے تھے نا, کہ ابو بکر کے زمانے میں شیعہ نہیں ہوتے تھے. عثمان کی وہ بھی نہیں ہوتے تھے. کہا پھر تم آئے کہاں سے ہو؟ جاؤ نہ نبی کے زمانے میں تھے, نہ خلافۂ راجا کے زمانے میں تھے, تو تمہارے جھوٹے ہونے میں کیا شک ہے؟ سب نے تالی بجا دی اور وہ مناظرہ ہار کے چلا گیا. اب اس نے اس طریقے سے کچھ پیسے ملنے لگے نا, مسلمان یہ سمجھتے کہ اگر مسلمانوں کا خطیب بنوں گا, مولوی بنوں گا, کوئی مسئلہ پوچھے گا وہ تو آتا نہیں مجھے. اب یہ کہ میں نے عیسائیوں سے مناظرہ کیا ہے, میں نے ہندوؤں سے مناظرہ کیا ہے, کیونکہ ان کی کتابوں کا علم عوام مسلمان تو کجا, عام طور پر علماء کو بھی نہیں ہوتا. تو جیسے کوئی بیٹھ کے جھوٹ بولتا رہے اور اپنا وہ شان بناتا رہے اور ان سے پیسے لیتا رہے, اب جب دیکھا کہ بھئی یہ کام تو اچھا ہے اور چل نکلا ہے, تو پھر اس نے براہ الہام دیا کتاب کا ایک اشتہار دیا کہ میں اسلام کی صداقت پر ایک ایسی کتاب لکھوں گا کہ آج تک نہیں لکھی گئی, اس کی 50 جلدیں ہوں گی, 50, اور 300 ایسے دلائل کار ہوں گے کہ ساری دنیا کے کافر مل کر ایک دلیل کو بھی توڑ نہیں سکے. اب وہ موٹی قلم سے لکھتا ہے, 3-4 صدرے سارے صفحے پر کتاب ایسی ہو سکتی, اور سن 1888 میں 80 میں پہلی جلد آئی, 81 میں دوسری جلد آئی, 82 میں تیسری جلد آئی, 84 میں چوتھی جلد آئی, اور 4 جلدوں میں کوئی دلیل نہیں, بس چند اپنے الہامات ہیں. شروع یہ کیا ہے, دلیل جو پہلی شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سچا دین ہے, باقی سارے جھوٹے دین ہیں. اسلام کے سچے دین ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ یہ زندہ دین ہے, اس لیے اس میں ولی ہوتے ہیں, صاحب کشف لوگ ہوتے ہیں, صاحب کرامت لوگ ہوتے ہیں, اور کسی مذہب میں ایسے لوگ نہیں ہوتے. اب یہ ایک دلیل اس نے شروع کر دی کہ اسلام سچا دین ہے, اس میں کشف اور کرامات جاری ہیں, اور میں بھی صاحب کشف اور کرامت ہوں. اب اس پر سب سے پہلے پنڈت لیکھ رام پشاور کا پنڈت تھا, وہ اس کے مقابلے میں سامنے آ گیا. اس نے کہا کہ تو اگر صاحب کرامت ہے تو وہ کرامت دکھا.
उसने लिखा कि झूठा आदमी है, कोई साबे करामत नहीं है ये। इसने फिर शर्त लगाई कि एक साल तू कादिया आ जा और एक साल मेरे पास मेरा हर गाज सुन और कुछ नहीं बोलना ना लिख के देना मुझे कुछ, एक साल पूरा बैठ। एक साल के अंदर जरूर कोई करामत जाहिर होगी, अगर जाहिर ना हुई तो मैं साल का खर्चा तुझे दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है, साल का खर्चा मैं भी बैंक में जमा कराता हूं, तू भी बैंक में जमा करा दे कि अगर साल में कोई करामत जाहिर होगी मैं साल कादिया में रहूंगा, कोई जाहिर हो गई तो ठीक है मैं अपना खर्चा दिखाता रहूंगा, और अगर ना जा रही तो फिर जो तेरा खर्चा होगा बैंक से मैं निकलवा लूंगा क्योंकि तूने खुद वादा किया है ना, तो जल्दी कर। उसने एक साल का खर्चा बैंक में जमा करा के इसको रसीद भेज दी, अगर तू भी रसीद भेज मुझे कि बैंक में जमा हो गया है। उसने कहा कि ये बात गलत है। फिर पादरी इंद्रमन, पंडित इंद्रमन मुरादाबाद का सामने आ गया। उसने कहा कि तू मसीह होने का दावा करता है तो मुर्दा जिंदा करके दिखा। उसने कहा कि मैं मुर्दों को जिंदा नहीं करता, मैं जिंदों को मारने आया हूं, पेशगी करता हूं कि फला आदमी मर जाएगा तो सबने मरना है यार, कहीं ना कहीं दिन मरना ही है ना, तो ये तो कोई पेशगी नहीं हुई। फिर इसकी जो बराही नैम दिया थी वो छोटे छोटे चार हिस्से सारी पूरी एक इतनी जिल्द बनती है, उसके रग में मिशकात जितनी तख्ती पर पंडित लेखराम ने किताब लिखी, उसका नाम है तकजीब बराहीन मिर्जा, इतनी बड़ी मिशकात है, इतनी बड़ी किताब। और दूसरी किताब उसने लिखी कुलियात आर्या मुसाफर, वो भी बहुत बड़ी किताब है। मिर्जा कादियानी या कोई मिर्जाई आज तक उसकी दोनों किताबों का जवाब नहीं लिख सका। अब उसने ये कहा कि ये चूंकि खुदा के नबी के मुकाबले में आ गया है इसलिए ये इस पर ऐसा खार के आताजाब आ आएगा जो दुनिया में कभी किसी पर नहीं आया हो। पंडित लेखराम ने कहा कि मुझे भी पेशगी हुई है कि मिर्जा कादियानी हैजे से मरेगा। उसने पेशगी शाय कर दी। उसकी पेशगी मिर्जा कादियानी ने खुद अपनी किताब सिराज मुनीर में दर्ज की हुई है कि वो बड़ा गुस्ताख निकला, बड़ा नाचता था और वो कहता था कि मिर्जा कादियानी हैजे से मरेगा। अब लेखराम की पेशगी वाकई पूरी हुई और मिर्जा हैजे से मरा। अगरचे मिर्जा इस बात को नहीं मानते लेकिन मिर्जा कादियानी के सुसर जो था मीर नासर नवाब, उसकी खुद नफीसवानी उमरी ऑटोबायोग्राफी छोटी सी, उसका नाम है हयात नासिर। उसमें लिखा है कि मिर्जा साहब जब आखिरी बीमारी में थे तो उल्टियां काए और दस्त आ रहे थे, तो मैं मिर्जा साहब के पास पूछने गया, सुसर था ना इसका, कि मिर्जा साहब अब तबीयत कैसी है। कहा कि मिर्जा साहब, मीर साहब मुझे वबाई हैजा हो गया है और ये वो आखिरी बात है जो मिर्जे के मुंह से निकली। कहते उसके बाद फिर मिर्जे ने बात नहीं की और फिर मारी। अब मिर्जे की आखिरी बात यह है कि मुझे हैजा हो गया। मिर्जाई कहते कि हैजा नहीं था, दस्त आते थे और कह आती थी, हैजा नहीं था, इसलिए हैजे को नहीं मानते। तो देखो अल्लाह ताला ने पंडित लेखराम की पेशगी जो सच्ची कर दी, क्योंकि मुर्ताद काफिर से भी बदतर होता है ना, लेखराम काफिर था मुर्ताद नहीं था, मिर्जा कादियानी मुर्ताद था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इसके सामने भी जलील किया। उधर ईसाइयों में से अब्दुल्ला आतम सामने आ गया, वो भी मुर्ताद था, पहले काफिर मुसलमान था फिर वो ईसाई हो गया, और जज था सीनियर सिविल जज अमृतसर में, उसने मिर्जे के मुकाबले चैलेंज मुनाजरे के चैलेंज दे दिया। तो अब फिर मुनाजरा शुरू हो गया अमृतसर में। मार्टिन क्लार्क अंग्रेज पादरी था और अब्दुल्ला आथम देसी पादरी था इधर का, इधर से ये चला गया तो वो मुनाजरा तहरीरी था, जंगे मुकद्दस किताब में वो सारे पर्चे छपे हुए हैं। अब ये इसने शर्तें अजीबोगरीब लगाता था, ये शर्त लगाता था कि जो दलील बयान करो वो बाइबल से हो, ईसा अलैहि सलाम की फरमूदा हो, तेरी बयान की ना हो। तो
وقت ضائع کر رہے ہیں، تازہ ہے. انہوں نے کہا کہ تیرا دعویٰ مسیح ہونے کا ہے نا کہ میں مسیح موجود ہوں؟ کہ جی ہاں. کہ قرآن اور انجیل دونوں میں مسیح کے معجزات کا ذکر ہے، کہ مردہ زندہ ہونا، کوڑی کا تندرست ہونا، اندھے کا بینا ہو جانا، لولے